जय भोलेनाथ। जटाटवी गलत जलम प्रवाह पावित स्थले गले वलम्ब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद वड्डवर वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिवम। जय भोलेनाथ। आज हमारा एचएसएससी हरियाणा ग्रुप डी के लिए 42वां दिन है और आज हम करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का टॉपिक आपका मैंने शुरू किया था और आज हम करेंगे पेज नंबर 121। चलिए शुरुआत करते हैं कालों के काल महाकाल के नाम से। स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन, एक घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान है, उसका आयतन 64 दे रखा है घन सेंटीमीटर, तो उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a का स्क्वायर। a का मतलब होती है भुजा। यहां से क्या है, यहां से आयतन दे रखा है घन का 64, यानी कि a का क्यूब क्या होता है आयतन 64, तो यहां से a निकाल देंगे। ये किसका क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब दे रखा है 64, तो इस प्रकार भुजा कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहां से पृष्ठीय क्षेत्रफल a की वैल्यू 4 रख देना, 6 × 4 × 4 = 96 आंसर आ जाएगा बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आसन जोड़ा जाता है तो परिणामी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये एक घन है और ये इनकी भुजा कितनी है, इसकी 6/6 सारी भुजा कितनी है, 6 की है, और इसको आसन जोड़ दिया जाता है, इन सभी तीनों को मिलाकर एक बना दिया जाता है इस तरीके से। अगर इसको इकट्ठा कर देंगे तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी, 3 बार यहां पर लंबाई कितनी है, 6 6 6, तीनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जिसकी यहां से अगर हम बात करें ऊंचाई की तो h6 हो जाएगी और इसकी जो ये है ना ये चौड़ाई इसकी ये हो जाएगी 6। तो एक प्रकार से ये घनाभ बन जाएगा और घनाभ बन जाता है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + LH फार्मूला याद होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। यहां से l आपको पता है ये लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी जोड़ने के बाद 18, और इस तरीके से आपको पता चलेगा चौड़ाई 6 है और हाइट कितनी है इसकी, 6 है, तो यहां से रख देना तो क्या हो जाएगा LB कितनी है, 18 × 6 = 108 + BH + 36 + LH 18 × 6 = 108 जोड़ देना 252, ये 2 है तो 2 से गुणा कर देना 504 वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ऐसे ही करेंगे। ये क्या दे रखा है, घन है जिसकी जहां पर एक भुजा क्या है 1 है, सभी भुजाएं इसकी 1 हो जाएगी यहां से 1 सेंटीमीटर, और 3 यहां पर घन है, इसको आसन तक जोड़ देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी 1 2 3 सेंटीमीटर की, लंबाई 3 आ जाएगी, चौड़ाई 1 आ जाएगी और ऊंचाई 1 आ जाएगी। आपको पता है ये घन बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, और क्यूबॉइड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 × LB + E हमने कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे 2 LB यहां पर करेंगे, तो यहां पर देखेंगे चौड़ाई 1 है तो L कितना है 3, लंबाई है तो गुणा करेंगे 3 × 3 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 1 प्लस LH को गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 6 × 7 = 7 × 14 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाल देंगे, आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने क्या किया था, 41वें दिन में मैंने करवा दिया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वहां से आप कर लेना, मैंने वो करवा दिया था ये, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक क्यूब सभी फलकों पर काले रंग का है, इसे समान आकार के 64 छोटे क्यूब में काटा जाता है, कितने क्यूब इसके किसी फलक पर रंगीन नहीं होगा, यानी कि कोई भी सतह रंगीन नहीं हो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, n − 2³, ठीक है। एन क्या होता है, एन आपका ये हो जाएगा जो 64 छोटे छोटे क्यूब में काटा गया है ना, तो ये देखेंगे किसका क्यूब है, 64 4 का क्यूब होता है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहां रखेंगे 4 − 2 और इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 का क्यूब कितना, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां से अगर 343 दे रखा होता, 343 तो ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 7 रख देते। क्वेश्चन नंबर 9, एक दिशा में 3 काट लगाई जाती हैं, दूसरी दिशा में 6 काट लगाई जाती हैं और तीसरी दिशा में 7 काट लगाई जाती हैं एक घन के ऊपर इस तरीके से, तो कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है एक घन को। देखो अगर हम 3 बार काटते हैं ना घन को ऊपर से, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसका मतलब हमें कितने क्यूब प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं, यानी इससे एक ज्यादा मिलेगा। 6 बार काटेंगे ना उस कितने मिलेंगे, 7 मिलेंगे। जैसे एक क्यूब है, एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़े प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार 6 बार काटेंगे तो 7 प्राप्त होंगे, और 7 बार काट मारेंगे तो कितने, 8। तो बस इसको गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 224 क्यूब प्राप्त होंगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब एक घन को रंगा जाता है और न्यूनतम काट लगाते हुए 729 छोटे परंतु समान टुकड़ों में काटा जाता है तो कितने छोटे टुकड़ों पर रंगे हुए 2 फलक होंगे। रंगे हुए 2 फलक का मतलब है 2 सतह जिसकी रंगीन हो, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला n − 2 × 12। n की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, किसका क्यूब है, 729 किसका क्यूब होता है,
नौ का क्यूब होता है, तो यहाँ नौ में से दो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सात, और सात को गुणा कर देना किससे, बारह से, बारह सात चौरासी आंसर आ जाएगा। चौरासी ऐसे क्यूब हैं जो दो सत है जिनकी रंगीन है, इस तरीके से आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने क्या करवाया था, कोई भी सतह रंगीन नहीं है तो ये फार्मूला लगाना है, एन की वैल्यू आपको निकालना आती है जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो बताना है कि कोई भी सतह रंगीन कितनी नहीं है, 729 टुकड़ों में काटा गया है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 729 किसका क्यूब होता है, नौ का जैसे यहाँ पर था, तो नौ में से दो गया सात, और सात का सिर्फ क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा, 343 आंसर आ जाएगा। 343 ऐसे क्यूब है जिन पर कोई भी सतह जिनकी रंगीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, पहली दिशा में पांच काट लगाई जाती है, इस क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, और दूसरी दिशा में सात काट लगाते हुए एक घन को कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है, पांच काट लगाएंगे तो एक ज्यादा मिलेगा यानी कि छह, सात काट लगाते हैं तो आठ क्यूब प्राप्त होते हैं, आठ छिक 48, टोटल 48 क्यूब प्राप्त होंगे, ये आ जाएगा आंसर। टाइप नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसका ये व्यास 28 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, और उसकी जो ऊंचाई है वो 20 है, 20 सेंटीमीटर, तो कुल सतह का क्षेत्रफल बताना है बेलन का। कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh + πR2, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2πR, देखो R भी पता है H भी पता है, तो 2πR कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, H प्लस R, 2 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, गुणा में R आपको पता है 14 है, गुणा में H और R को जोड़ेंगे यानी कि 20 और 14 34, 7 दूनी 14, इसको गुणा कर देना, ये आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, देखो हाइट बराबर है लेकिन त्रिज्या जो आर थी ना पहले, ये मूल बेलन है, लंबवर्ती बेलन, इसकी त्रिज्या को आधा कर दिया, तो बताना है कि इसका अनुपात क्या होगा, घटे हुए बेलन के आयतन का और मूल बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं ये घटा हुआ है और ये मूल बेलन का आयतन है, तो यहां से आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का आयतन, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या करेंगे, घटा हुआ है तो आर, पहले आर थी त्रिज्या तो इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे R की वैल्यू R बाई टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वेयर करेंगे तो R स्क्वेयर बटे में 2 का स्क्वेयर 4, रेशियो क्या हो जाएगा, या पाई से पाई कैंसिल है, H बराबर है दोनों की, H से H कैंसिल ही हो जाएगा, R स्क्वेयर 4 को इधर गुणा करेंगे तो R से R कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयर से स्क्वेयर, तो यहाँ बचेगा 1:4, इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 चक्कर लगा देती है, तो आधार त्रिज्या अगर 20 है तो बेलन का ये कितनी बार चक्कर लगा सकती है रस्सी, तो रस्सी की लंबाई निकालेंगे। देखो आपको पता है एक बेलन है, और बेलन को हम अगर हम बात करें एक चक्कर की तो 2πR होता है एक चक्कर यानी कि परिधि, तो एक बार लपेटने में कितनी लंबाई है, 2πR है, और चक्कर 140 लगा दिए तो गुणा 140 कर देना, यहां से रस्सी की लंबाई आ जाएगी। रस्सी की लंबाई निकाल सकते हैं, आर 14 है तो यहां रखेंगे 14 × 14 = 28 पाई गुणा में 140, ये क्या आ जाएगी, ये रस्सी की लंबाई आ जाएगी, ठीक है, लंबाई रस्सी की, ठीक है। ये अब बताना है अगर त्रिज्या जिसकी 20 हो बेलन की तो कितने चक्कर लगाए जा सकते हैं, ये है सवाल में, ठीक है, तो कितनी बार चक्कर लगा सकते हैं, आपको लंबाई पता चल गई रस्सी की और बेलन की यहां पर पता है, त्रिज्या भी आपको पता, एक चक्कर कितना होता है, 2πR का होता है यानी कि 2π, और आर कितनी है 20 है, तो 20 × 40 ये हो जाएगा 40π, इससे कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 साथ 28 हो जाएगा, और 7 × 28 = 98, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा था, कितनी बार चक्कर लगा सकता है, तो ये हो जाएगा 98 बार चक्कर लगा सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई तो है 14 और उसका व्यास जो है धार का वो 4 है, व्यास का मतलब पूरा डायमीटर, ठीक है, तो रेडियस हो जाएगी आर, तो बेलन का आयतन बताना है कि क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, 22/7 पाई है, आर की वैल्यू 2 है, 2 गुणा में 2 और इंटू में आर, एच कितनी है 14, 7 से काटेंगे, 7 × 14 2 × 4 × 8 और 22 × 8 = 176, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास का मतलब है डायमीटर 2 है तो त्रिज्या 1 है, और हाइट कितनी है 40 मीटर लंबाई की एक समवृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है, तो लोहे की सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि इसका टोटल सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, 2πRh होता है, 2πRh में 2 आपको पता है, 22 पाई की वैल्यू एज इट इज लिखेंगे, गुणा में आर पता है आपको 1 है और एच पता है हाइट 40 है, तो गुणा कर देना, ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, सिपाही ऑप्शन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आधार की त्रिज्या ये वाली और बेलन का हाइट का जो अनुपात है ना वो दे रखा है कितना, 2:3। तो मैंने इसको 2k मान लिया, इसको 3k मान लिया, 2x या 3x कुछ भी मान सकते हो। तो बेलन का जो आयतन होता है आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जो कि किसके बराबर दे रखा है, 1617 के बराबर दे रखा है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे और हाइट निकालेंगे और फिर बाद में हमें टोटल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए है, जिसमें आपको आर और एच की जरूरत पड़ेगी। यहां पर आंसर ऐसे आ जाएगा, यहां से निकल जाएगी आपकी आर और एच। कैसे निकलेगी, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये दे रखा है 1617, पाई होती है 22/7 गुणा में आर है, आर कितनी है 2k, तो 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4k का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू हाइट कितनी है 3k मान रखी है तो गुणा में 3k। इस तरीके से 22/7 3×4=12 और k स्क्वायर इनटू k करेंगे तो k क्यूब हो जाएगा 1617 के बराबर। k 3 की वैल्यू आ जाएगी 1617 गुणा में 7/22 × 12, यहां से क्या हो जाएगा के क्यूब की वैल्यू क्या पर पता चल जाएगी, जब आपका 343/8 बचेगा इसको काटने के बाद तो आपको पता चल जाएगा ये किसका क्यूब है 7 का और ये किसका है 2 का। तो यहां से क्या जाएगी के की वैल्यू 7/2, यहां से हम निकाल सकते हैं आर कितनी हो जाएगी 2k है ना, तो के की वैल्यू इसमें 7/2 रख दिया तो यहां से गुणा काट देंगे तो ये आ जाएगी 7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है 7, इसी प्रकार यहां रखेंगे तो एच की आ जाएगी। अब इसको देखो यहां से क्या करना है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है 2πrh + 2πr², यहां से 2πr कॉमन ले लेंगे, h प्लस आर हो जाएगा 2×22/7, r की वैल्यू 7 है गुणा में h और r को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3×2=5, 5k की वैल्यू 7/2 है तो 5×7=35/2, यहां पर 35/2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, गुणा कर देना 770 वर्ग सेंटीमीटर², ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ले भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल की जो आपकी क्लास होगी उस कल की क्लास में आपका मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैंने कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके ग्रुप डी में संभावना नहीं है आने की और उसको मैंने छोड़ दिया है, तो बार बार ये कमेंट मत करना कि सर ये नहीं करवाया, जो जो इंपॉर्टेंट बनते थे ना इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने 41वीं क्लास ली थी ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास की अगर हम बात करें तो जो मैंने बताया है 1 सतरंगीन, 2 सतरंगीन, 3 सतरंगीन और इस तरीके से 4 सतरंगीन, इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा, ये आपके 2 टाइप के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और फिर इसके बाद यहाँ से बेलन से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो के कमेंट में लिख देना जय भोलेनाथ, कोई डाउट है तो डाउट लिख देना। जय भोलेनाथ।